व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द एप्पल गाइस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 के बारे में। क्या आपको आईफोन 11 अभी ले लेना चाहिए, थोड़ा रुक के लेना चाहिए, प्लस आपको एक छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू भी देखने को मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। नाउ लेट्स गो। तो स्टार्ट कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पर आईफोन 11 की तो बिल्ड क्वालिटी हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है। फ्रंट और बैक में हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और साथ में जो एल्यूमिनियम की फ्रेम है वो कोई ऐसे छोटे मोटे एल्यूमिनियम से नहीं बनी है, 7000 सीरीज के एल्यूमिनियम से बनी है। और ये एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा टफ होता है, और इसकी इनहैंड फीलिंग भी बहुत ज़्यादा सॉलिड और प्रीमियम होती है। तो यार प्रीमियमनेस के मामले में तो इसका कोई जवाब नहीं है, थम्स अप उसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं आईफोन 11 के डिस्प्ले के बारे में। तो यार ये वही सेम डिस्प्ले जो हमें आईफोन XR के अंदर भी देखने को मिला था, पर इसके बारे में बात करना तो जरूरी है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले। यहाँ पर अगर पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो हमें 326 PPI डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और यही अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 625 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और आउटडोर कंडीशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। और यहाँ पर हमें ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि आईज के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पर हमें इन एडिशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं, टच सेंसिंग देखने को मिल जाती है। और हाँ, डिस्प्ले के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें LCD देखने को मिला है, जहाँ पर इस प्राइस रेंज में OLED देखने को मिल सकता था। और डिस्प्ले थोड़ा लोअर रेजोल्यूशन का है, हायर देन 720 बट लोअर देन 1080p। पर आप जैसे YouTube के सेटिंग में जाते हो और अगर आपके साथ 4K वीडियो प्ले कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 4K का ऑप्शन दिख जाता है, पर YouTube आपको उसको थोड़ा कंप्रेस करके शो करता है आपकी डिस्प्ले पे, ताकि वो आराम से बिना दिक्कत के प्ले हो जाए। और ऑनेस्टली यार डिस्प्ले इतना बुरा नहीं है, डिस्प्ले बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हमें देखने को मिल जाता है। साथ में जो इसे कलर्स एंड विविडनेस है बहुत ही बैलेंस्ड है, आपको कुछ भी इसमें ज़्यादा ओवर विविड या फिर ओवर सैचुरेशन देखने को नहीं मिलता है। और बात करें अगर इसके ब्लैक लेवल्स की, तो हमें बिल्कुल OLED के टक्कर के इसके ब्लैक लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही डीपर ब्लैक देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी पुराने LCD वाले फ़ोन से इसके ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको एक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी OLED डिस्प्ले वाले फ़ोन से इस पर शिफ्ट कर रहे हो तो हाँ, आपको थोड़ा नोटिसिबली डाउनग्रेड देखने को मिल सकता है, पर इतना नोटिस नहीं करोगे आप, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। एंड पर्सनली यार मैं इसके डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ सारी चीज़ें इसमें ऑन पॉइंट है। सैचुरेशन, विविडनेस, ब्राइटनेस सब कुछ बिल्कुल एक लेवल का है, कोई इसमें कमी देखने को नहीं मिलती है। इससे पहले मेरे पास 7 प्लस था, उसका डिस्प्ले थोड़ा फीका पड़ गया था, डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, बट इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट डिस्प्ले एंड परफेक्ट ब्राइटनेस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमें स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एक स्पीकर बॉटम में और एक स्पीकर टॉप में ईयरपीस में, और दोनों ही डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और दोनों स्पीकर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये था एक छोटा सा आईफोन 11 के स्पीकर का टेस्ट। आई होप कि आपको इससे अंदाजा मिल जाएगा कि आपको किस टाइप की क्वालिटी मिलने वाली है स्पीकर से। और ऑनेस्टली यार बिल्कुल सराउंड साउंड टाइप की क्वालिटी आपको इससे देखने को मिलती है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस है, तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप गेमिंग भी करते हो बिना ईयरफोन्स के, तो आपको कोई इससे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों ही कैमरा 12 मेगापिक्सल के हैं। टॉप पे हमें देखने को मिलता है वाइड एंगल कैमरा, और उसके नीचे में देखने को मिलता है अल्ट्रा वाइड कैमरा। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर हमें सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है नॉच के अंदर 12 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करता है। और बात करें नॉच की, तो यहाँ पर हमें फेस आईडी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, मेरे सामने आते ही अनलॉक कर देता है, बिल्कुल जादू। और बात करें अगर इसे कैमरा इंटरफेस की, तो इसका कैमरा इंटरफेस हमें थोड़ा अलग देखने को मिलता है अगर कंपेयर करें पुराने आईफोन से, तो इसका इंटरफेस हमें थोड़ा अलग देखने को मिलता है। साथ में हमें इसके अंदर बहुत सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर इसमें सारे मोड्स अवेलेबल है, जबकि XR के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिंगल कैमरा था, तो वहाँ पर खाली 3 या 4 मोड्स अवेलेबल थे, पर इसमें सारे के सारे मोड्स अवेलेबल है, प्लस फ्रंट कैमरा के अंदर भी सारे मोड्स अवेलेबल है। इन एडिशन आपको रियर के दोनों ही कैमराज के अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन देखने को मिल जाता है, तो जब भी आप वॉक करते हो रिकॉर्डिंग कर लोगे तो कमाल का आपको स्टेबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर बात करें स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स की, तो यहाँ पर आप रियर के साथ साथ फ्रंट कैमरे में भी स्लो मोशन एंड टाइम लैप्स शूट कर सकते हो, और फ्रंट कैमरे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होता है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर अगर बात करें हम एक्स्ट्रा फीचर, मतलब एक बहुत ही शानदार फीचर है आईफोन 11 के लाइनअप में, वो है नाइट मोड। तो यहाँ पर नाइट मोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, और ऑटोमेटिक आपका आईफोन डिटेक्ट कर लेता है कब आपको नाइट मोड की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे आप डार्कनेस के अंदर अपना कैमरा ओपन करोगे तो नाइट मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप लाइट वाले रूम में जाओगे तो आपका नाइट मोड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो बहुत ही स्मूथली काम करता है, यहाँ पे आपको कोई मैनुअल टॉगल नहीं दे रखा है कि आपको खुद ही ऑन करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपका आईफोन डिटेक्ट करके खुद ही ऑन कर देता है और खुद ही ऑफ कर देता है। तो यार थम्स अप फॉर डैट।
तो आप कुछ कैमरा सैंपल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं हम, जो मैंने वाइड, अल्ट्रा वाइड और नाइट मोड के साथ क्लिक किए। तो लेट्स गो। अब यहाँ पर नाइट मोड ऑन ऑफ वाले पिक्चर देखने के बाद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो वापस आते कैमरा के ऊपर, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो आपको iPhone 11 के अंदर एक कमाल का वीडियो रिकॉर्डिंग सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन में शूट कर लेता है वीडियोस को। अब यहाँ पे नॉर्मल रिकॉर्डिंग की बात करता हूँ, हाईएस्ट रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है 4K एट 60fps, और लोवेस्ट देखने को मिल जाता है 720p एट 60fps। और वहीं अगर हम स्लोमो की बात करें तो हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है 1080p HD at 240fps, और साथ में 1080p के अंदर आपको 120fps का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और साथ में 720 के अंदर 240fps का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार इससे आपको एक अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा iPhone 11 के अंदर, और स्लोमो से काफी अच्छे रिकॉर्ड कर सकता है ये। इन एडिशन अगर यहाँ पे बात करें तो कैमरा सेटिंग्स के ऐप के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे अगर आपको कैमरा इमेज मिरर करवानी है ना, स्पेशली फ्रंट कैमरा की, तो उसका टॉगल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और बॉटम में आपको स्मार्ट एचडीआर का टॉगल देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो उसको ऑन ही रखना, क्योंकि बहुत कमाल की फीचर्स आती है स्मार्ट एचडीआर को यूज करके। अब एक और फीचर की बात कर लेते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन की। तो यहाँ पर मैंने वॉक करते हुए वीडियो बनाई थी, और स्टेबलाइजेशन कमाल का है, वीडियो सैंपल के अंदर भी देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा स्टेबलाइजेशन वाला। तो अब बात कर लेते हैं iPhone 11 के बैटरी लाइफ के बारे में। तो iPhone 11 के अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है 3110mAh की बैटरी, जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और साथ में इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। इन एडिशन iPhone 11 के अंदर हमें देखने को मिलता है A13 बायोनिक चिप, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और साथ में पावर भी कम कंज्यूम करता है। तो अगर आप एवरेज यूज़र हो तो आराम से आपका 1 से 1.5 दिन आराम से फ़ोन चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाँ यार, बैटरी लाइफ आपको iPhone 11 के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल और तगड़ी देखने को मिलती है, बैटरी से आपको कोई इससे शिकायत नहीं होगी। बट अगर आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हो, हैवी टास्क करते हो, वीडियो रेंडरिंग करते हो, तो आपको बीच में एक आध बार इसको चार्ज पे लगाना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर आप एक एवरेज यूज़र हो तो आपके लिए ये इसकी बैटरी लाइफ मोर देन इनफ है, आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग रिव्यू के बारे में। तो यार वो तो नहीं हो पाएगा इस बार, सबको बताएं क्यों, पर मेरी बात मानो तो यार फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, और बैटरी हेल्थ बहुत ही जल्दी आपकी डिग्रेड होगी। तो यार बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसका आई बटन में चेकआउट कर सकते हो, कर लेना प्लीज़, अगर बैटरी हेल्थ की सलामती चाहते हो तो। तो अब बात कर लेते हैं यार कॉन्क्लूजन के बारे में। तो कॉन्क्लूजन बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका इतना बजट है और आपको iPhone 11 ही लेना है, तो यार गो फॉर इट, आग बंद करके ले लो, आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे आई बैट। यार अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो यार अमेजोन पे भी आपको देखने को मिल जाता है अप्रॉक्स 64,000 का, उसके ऊपर अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हो तो यार बात चली जाती है अप्रॉक्स 60 या 61 तक। और अगर आपको iPhone 11 थोड़े और कम प्राइस में चाहिए तो यार थोड़ा रुक जाओ, अभी बहुत सारी सेल आने वाली है अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल बहुत जल्द आने वाली है, और दिवाली पे भी बहुत सारे ऑफर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यार थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक के ले लेना अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो। और यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा iPhone 11 के साथ, डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा iPhone 11 के साथ आप जा सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। और साथ में iPhone 11 के अंदर IP68 की वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने को मिल जाती है, और अगर आपका iPhone कभी गलती से पानी में गिर जाता है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं, आपका iPhone बिल्कुल सेफ है। तो ये था एक छोटा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू iPhone 11 को लेकर, क्या आपको अभी ले लेना चाहिए, थोड़ा रुक के लेना चाहिए। आई होप कि आपको आंसर्स मिल गए होंगे, अगर नहीं मिले तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 200 सब्सक्राइबर्स के। तो यार कंप्लीट करवा दो यार गोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।